हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड एज, ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड स्फेरिकल, ऑप्शन बी सॉफ्ट इन इलास्टिक स्फेरिकल, ऑप्शन सी हार्ड इन इलास्टिक स्फेरिकल, डी परफेक्टली हार्ड इलास्टिक स्फेरिकल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, परफेक्टली हार्ड इलास्टिक एंड स्फेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई रॉन्ग पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है रॉन्ग पॉस्टुलेट है, कौन सा रॉन्ग पॉस्टुलेट या एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी में है। ओके, सो ऑप्शन वन, गैस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज लार्ज कंपेयर टू देयर साइज, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू कोलिजन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप पढ़ चुके हैं कि गैस बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन वन ए इज करेक्ट, मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होता है और इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, ऑप्शन सी राइट, और दो कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं। सो इस तरीके से आपके ऑप्शन वन ए से लेकर डी तक जो है सारे सही हैं। सो ऑप्शन डी ई, ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर वॉल इज बिकॉज ऑफ, गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर पर प्रेशर क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए गैस मॉलिक्यूल हैज साइज, गैस मॉलिक्यूल हैज मास, गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक ऑन द वॉल, गैस मॉलिक्यूल्स हैज वेलोसिटी। सो इनमें से कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक ऑन द वॉल। प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन कंटेनर वॉल इज P=2 mnc² / 3V, ऑप्शन बी P=mnc / 3V, ऑप्शन सी P=mnc³/3V, ऑप्शन डी P=mnc⁴/3V। सो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और राइट फार्मूला क्या है प्रेशर का, P=mnc² / 3V, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर वॉल इज पी, ऑप्शन फर्स्ट P=ρC/3, P=ρC²/3, P=ρC³/3, P=ρC⁴/3। जहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब क्या है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो प्रीवियस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज P=ρC²/3, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन कंटेनर वॉल इज, ऑप्शन ए P=E/3, P=2E/3, P=E, एंड ऑप्शन डी इज P=4E/3। सो आपको क्या बताना है, आपको जो है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध बताना है, राइट। तो एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आप क्या कर लिखेंगे, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। सो आप प्रेशर वाले फार्मूले में ये इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, सो आपका क्या इक्वेशन आ जाएगा,
ऑप्शन बी, पी इजकल्स टू 2E/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज, ऑप्शन ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, बी इज ऑप्शन बी इज सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, ऑप्शन सी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ऑप्शन डी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर। सी इज RMS वेलोसिटी ऑफ गैस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ गैस, राइट। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या है, ऑप्शन क्या है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, इसके लिए आपको प्रेशर का फार्मूला अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेशर का फार्मूला क्या है, पी इजिकल्स टू 1/3 mm सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। अगर वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी इजिकल टू 1/3 mm सी स्क्वायर, और पी वी क्या होता है, आर टी के बराबर होता है। सो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, पी वी इजिकल टू 1/3 mm सी स्क्वायर इजिकल्स टू आर टी। सो सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच रिलेशन इज ट्रू, ऑप्शन ए सी इज इक्वल्स टू √3 RT/mn, बी इज इक्वल्स टू बी, ऑप्शन बी इज सी इज इक्वल टू √RT/mn, ऑप्शन सी सी इज इक्वल टू RT/mn, ऑप्शन डी सी इज इक्वल टू RT, वेयर सी इज RMS वेलोसिटी ऑफ गैस, टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस, कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम जो लिखा है दैट इज स्मॉल एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज सी इजक्वल टू √3 RT/mn। आपको अगेन पी वी इजक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर वाले फार्मूले से ही सी की वैल्यू आपको निकालना है, राइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज टू ट्वाइस देन इट्स RMS वेलोसिटी विल बी, यदि हम किसी गैस का तापमान दोगुना कर दें तो उसकी RMS वेलोसिटी क्या हो जाएगी। आपका ऑप्शन क्या है, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, हाफ हो जाएगी RMS वेलोसिटी, आधी हो जाएगी RMS वेलोसिटी, दोगुनी हो जाएगी, या RMS वेलोसिटी √2 times हो जाएगी। आपको प्रेशर वाले फार्मूले से ही आपको काम करना है, अगेन पी इक्वल टू 1/3 mn² / V से, और आपको टेम्परेचर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए जो कि आप निकाल चुके हैं, क्या है वो, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। यदि टेम्परेचर दोगुना हो जाएगा तो सी कितनी हो जाएगी, √2 times। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, एट व्हाट टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल विल बी एट रेस्ट, आपको सिंपल बताना है कि किस टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल रेस्ट में होगी, यानी उसकी RMS वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज 273 degree Kelvin, 0 degree Kelvin, 0 degree Centigrade, 25 degree Centigrade। सो अभी आपने जो फार्मूला यूज किया है उससे आप बता सकते हैं, अगर सी को 0 के बराबर होना है तो टी को 0 होना पड़ेगा, एंड दैट 0 इज नॉट 0 degree Centigrade, दैट इज 0 degree Kelvin। एट व्हाट टेम्परेचर H2 गैस मॉलिक्यूल विल हैव सेम RMS वेलोसिटी एज ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल हैज एट 47 degree Centigrade। आपको वह टेम्परेचर निकालना है जिस पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी RMS वेलोसिटी ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बराबर होंगे जब ऑक्सीजन गैस का तापमान 47 degree Centigrade होगा। सो बेसिकली इसमें क्या, फिर आपको क्या चाहिए, आपको रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और टेम्परेचर आना चाहिए। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, सो C1/C2 इजकल टू √T1/T2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, राइट। बट द प्रॉब्लम इज
यहाँ पर आपके टेम्परेचर वेलोसिटी सेम है, सो आपको दूसरा फॉर्मूला इसी में से निकालना पड़ेगा जिसमें मॉलिकुलर वेट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन हो, और वो किससे आएगा, पी इक्वल टू 1/3 mnc² डिवाइडेड बाई बी। इस फॉर्मूले से आप जो है निकालिए पी बी इक्वल टू 1/3 mnc² राइट। तो mn को आप लिख सकते हैं कैपिटल एम मॉलिकुलर वेट और c² आ गया और पी बी इक्वल टू RT हो जाएगा। सो मॉलिकुलर वेट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो आपका फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाएगा राइट। सो द ऑप्शन कैसे आएगा, सो यू कैन यूज t1 डिवाइडेड बाई t2 इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2, और इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन